हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है सीमेंस का, आप लोग देखेंगे ये पीएलसी है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो पीएलसी है इसका कनेक्शन कैसे होता है, मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग कहीं भी जाए, आप लोग को सीमेंस का ऐसा कोई भी जो पीएलसी मिले तो आप लोग उसका जो कनेक्शन है, वायरिंग जो है, इजीली कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप लोग को वायरिंग करना है तो आसान हो जाएगा। तो ये जो है वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये सीमेटिक आप लोग देखेंगे S7, ये जो है 1200 का, ये क्या है, एक जो है मेन पीएलसी है। इसमें ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। फिर यहाँ पे जो है एक पीएलसी है। तो मेन जो पीएलसी है, जो जितना भी कम्युनिकेशन का कमांड वगैरह, जितना भी हमारा प्रोसेस होता है, इसमें होता है, ये पीएलसी में होता है। ये हमारा कम्युनिकेशन यहाँ से जो है, हमारा जो है एस्काडा में, बीएमएस में जाता है, या HMI में जो है यहाँ से जाता है। जितना भी कंट्रोल करता है इसी में। इसमें क्या होता है, सीपीयू लगा रहता है और हमारा जो है इसमें चिप वगैरह जो है सब इसी में रहता है। इसमें 24 वोल्ट इनबिल्ट भी रहता है, जो हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो सिग्नल होता है, या हम लोग किसी इक्विपमेंट को देते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है सप्लाई अवेलेबल रहता है 24 वोल्ट DC। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में पूरा जो है मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो है अलग अलग मॉड्यूल जो है यूज किया जाता है, जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम लोग यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका कनेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद में जो है इसका भी पूरा जितना भी मॉड्यूल है इसका जो है कनेक्शन मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले इसमें जो है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, आराम से इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है पूरा टर्मिनल का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है DI कितना है, ये लिखा हुआ है DIA में 0 से 7 है, आप लोग देख सकते हैं इसमें पूरा पॉइंट लगा हुआ है। फिर DIB है, यानी इसमें 0 से 5 है, यानी 6 इसमें है, और 0 से 7 तो 8 इसमें है, कितना है, 14 है। फिर DU का अगर आप लोग देखेंगे, 0 से 8 यानी कितना है, 0 से 7 है यानी 8 है, और DO ये DQ है, B यानी इसमें 2 है, तो ये कितना है, 10 है, 10 इसमें DO है, और जो है DI इसमें 14 है। लेकिन इसको हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें जो है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, AI का भी 2 पोर्ट दिया हुआ है। तो हम लोग इसको भी पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो इसका कनेक्शन जो होता है सिंपल सा क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे L1, और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल, फिर ग्राउंड है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 220 से लेके 240 वोल्ट AC डाल सकते हैं, यानी इसको ऑन करने के लिए क्या है, हम लोग 24 वोल्ट AC का यूज करते हैं। तो आप लोग अगर जाएंगे कहीं भी तो ये सीरीज का जो है आप लोग देखेंगे CPU 1214C है, इसमें AC DC रिले, यानी इसमें AC हम लोग डाल रहे हैं, DC जो है हम लोग यूज कर रहे हैं DI के लिए, और रिले आउटपुट है यानी डिजिटल आउटपुट है, तो उसके लिए रिले आउटपुट दिया हुआ है। तो ये S7 1200 सीरीज का बहुत से अलग अलग जो है इसमें सीरीज आता है। ये CPU जो है आप लोग देख सकते हैं 1214C है। तो आप लोग कहीं जाएंगे तो 1211 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, फिर 15 मिल जाएगा, 16 17, ऐसे जो है सीरीज वाइज रहता है। तो सेम जो है कनेक्शन वगैरह जो है सेम ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत जो है आप लोग को टर्मिनल कम ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 24, यहाँ पे हम लोग कितना डाल रहे हैं, 220 वोल्ट डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं पे 24 वोल्ट भी यहाँ पे डाला जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं 220 और न्यूट्रल तीनों। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो L+M 24 वोल्ट DC, ये आउट हो रहा है, आप लोग देखिए इसमें इन हो रहा है, लेकिन ये जो है आउट हो रहा है। जैसे मैं आप लोग को बताया, इसमें क्या होता है कि 24 वोल्ट DC जो है इनबिल्ट होता है, ये हम लोग को PLC देता है। तो वही जो है यहाँ से अगर हम लोग को किसी इक्विपमेंट में या मॉड्यूल में, यहाँ पे जो है बहुत से इक्विपमेंट में हम लोग को क्या करना पड़ता है, कनेक्शन करना पड़ता है, तो वहाँ पे 24 वोल्ट DC का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम लोग अगर DI का यूज करेंगे या AI का यूज करेंगे तो उसमें 24 वोल्ट DC का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसी के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है 2 टर्मिनल है, L और M, यानी एक जो है 24 का और एक जो है 0 वोल्ट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे दोनों खाली है। फिर आगे देखेंगे M1 और यहाँ से DI का कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे M1 है। इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 200 जो है नंबर का इसमें जो है सप्लाई डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो
पीएलसी होता है उसको सोर्स या सिंक दोनों में हम लोग को यूज कर सकते हैं। सिंक में अगर हम लोग इसमें कनेक्शन करते हैं तो माइनस डालेंगे यानी 0 वोल्ट डालेंगे, वहीं सोर्स में करेंगे तो इसमें 24 वोल्ट डालेंगे। तो वहीं जो है हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, हम लोग को सिंक में कनेक्शन करना है या सोर्स में करना है, तो उसी के हिसाब से जो है हम लोग इसमें डालते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 200 सप्लाई गया, और यही जो सप्लाई जो है हमारा फील्ड का इक्विपमेंट में जाता है। जितना भी इक्विपमेंट हमारा DI का जो कनेक्शन होता है यहीं से सप्लाई हम लोग वहीं जो है माइनस दे देते हैं, अगर प्लस दे रहे हैं तो प्लस दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है माइनस का यूज किया जा रहा है यानी 0 वोल्ट यूज करके सिंक में इसका जो है कनेक्शन किया जा रहा है। तो इसमें जो है DI का ये जो है आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट AC ये DI का है। तो DI में क्या होता है कि यहाँ से जो है हमारा पूरा इक्विपमेंट में जाएगा, फिर इक्विपमेंट से क्या होगा हम लोग को एक एक जो है वायर आएगा, वही सप्लाई जो है NONC होके आता है। DI क्या होता है कि सिर्फ हम लोग को स्टेटस देता है कि कोई इक्विपमेंट ऑन है ऑफ है या कुछ अलार्म है। तो वही जो है वायर जो है यहाँ से एक जो है हमारा सप्लाई जाता है 24 वोल्ट या 0 वोल्ट कोई भी सप्लाई देते हैं हम लोग, वहाँ से जैसे जो है हमारा इक्विपमेंट में जो है अलार्म आएगा या ऑन ऑफ स्टेटस ही आएगा, हाई लो अलार्म वगैरह जो है या ओपन क्लोज का जो भी स्टेटस होता है वो जो है फील्ड का जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है NONC होता है वहीं सप्लाई जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 221 है, फिर 227 है, सॉरी 227 28 31 32 33 34 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 234 ये जो है 282 है 81 है 83 है। तो ये जो है जितना भी हमारा फील्ड का इक्विपमेंट यानी DI जो है हमारा यहाँ पे मिल रहा है वही इक्विपमेंट कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे देखेंगे DIB से लेके 5 तक ये जो है इसमें 1 2 2 कनेक्टेड है, उसके बाद ये जो है स्पेयर है। फिर अगला अगर आप लोग देखेंगे 2M यानी इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं यानी दूसरा जो है इसमें हम लोग जो सोर्स यासिंग के लिए जो भी यूज किए हैं वहीं जो सप्लाई यहाँ 0 वोल्ट डाला हुआ है यानी हम लोग यहाँ पे 0 वोल्ट डाल दिए। और AI आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है हम लोग 0 वोल्ट डाल के और 2 AI जो है कॉमन का जो सप्लाई हम लोग यूज करते हैं इसमें डाल दिए हैं, यानी AI का इसमें 2 टर्मिनल है आप लोग देख सकते हैं। तो AI का इनपुट में क्या होता है कि सिंपल सा कि हम लोग को फील्ड से 2 जो है सप्लाई मिलता है। पहला जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं दोनों का 2 2 वायर मिलेगा, तो एक इसमें एक इसमें जो भी हमारा जो फील्ड का इक्विपमेंट है वो ट्रांसमीटर जो होता है वो हम लोग को जो सप्लाई देता है वहाँ से जो है हम लोग को क्या देता है 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट या 4 to 20 mA में देता है। तो वहीं जो है 2 वायर आता है हमारा फील्ड से और इसमें हम लोग कॉमन डाल देते हैं, उसके बाद में इसमें एक एक जो है वायर, तो कॉमन दोनों का जो है इसी में कनेक्ट होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे 2 वायर कनेक्ट है लेकिन ये अभी यूज में नहीं है, सिर्फ इसमें जो है 0 वोल्ट डाल के रखा हुआ है। 0 वोल्ट क्यों डाला हुआ है कि ये जो है 0 to 10 वोल्ट पे PLC काम करेगा, तो जो हमारा वहाँ से इक्विपमेंट आएगा 10 वोल्ट का हम लोग इक्विपमेंट जो है वहाँ पे जो भी फील्ड का जो इक्विपमेंट होगा 0 to 10 का यूज करेंगे तो वही जो है यहाँ पे दोनों आके कनेक्ट हो जाएगा अगर दोनों यूज करेंगे दोनों। तो ये सिर्फ स्पेयर है, तो ये AI का आप लोग देखें ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। फिर नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, अब यहाँ से ओपन करने के बाद में अगर आप लोग देखेंगे ये जो है हमारा क्या है कम्युनिकेशन का, आप लोग देख सकते हैं ये जो है कम्युनिकेशन का इंटरनेट केबल जो है वो कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो DO का है डिजिटल आउटपुट या रिले आउटपुट, मैं आप लोगों को बताया। तो यहाँ से L है इसमें डाला हुआ है, फिर 0 से लेके आप लोग देखेंगे 4 है यानी इसमें जो है 5 हो जाएगा, फिर 6 7 8 8 है यानी यहाँ से 1 से लेके 7 तक है 8 और 2 इसमें है 10 है। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे DO है रिले आउटपुट है, तो यहाँ पे जो है हम लोग रिले आउटपुट में 220 भी यूज कर सकते हैं, 24 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा क्या है अगर आप लोग देखेंगे L1 इसमें कनेक्टेड है, मैं अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे L1 है तो पहला जो टर्मिनल आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है 1 नंबर सप्लाई डाला हुआ है, तो इसमें जो है हम लोग 24 वोल्ट डाल देंगे पहला L1 में। फिर उसके बाद DO का वही जो है सप्लाई हम लोग क्या करेंगे यूज कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। या अगर हम लोग को 24 वोल्ट नहीं यूज करना है, अगर मान लीजिए ये रिले आउटपुट है तो हम लोग इस टर्मिनल में क्या करेंगे जो अगर हम लोग रिले को ऑन ऑफ करना है हम लोग को, तो अगर हम लोग चाहेंगे तो इसमें जो है 220 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, ये रिले आउटपुट है, जितना हम लोग इसमें सप्लाई देंगे वही जो है आउटपुट यहाँ से होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे L1 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं L2, तो इस दोनों में जो है हम लोग को सप्लाई देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है सप्लाई देना पड़ता है फेज।
अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल भी दे के क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि रिले आउटपुट में अगर आप लोग जाएंगे तो ज़्यादातर जो है फेस दे के उसी को क्या है हम लोग पीएलसी से ऑन ऑफ कराया जाता है। नहीं तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि डायरेक्ट रिले में जो है हम लोग उसमें जो है फेज डाल दिया जाता है और न्यूट्रल जो है यहाँ से जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है फेज डाला हुआ है L1 L2 में फेज डाल के क्या हो रहा है, रिले में जो है हमारा A2 का जो पॉइंट होता है उसमें जो है क्या किया जाता है कि वहाँ पे 0 वोल्ट डाल दिया जाता है, यानी न्यूट्रल डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे A2 में जो है 0, यहाँ पे आप लोग देखेंगे A2 में जितना भी है यहाँ पे 0 डाला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी 0 डाला हुआ है, यहाँ भी 0 डाला हुआ है, ये 0 है, ये 0 है, फिर ये 0 है, आप लोग देख सकते हैं ये 0 है, यानी न्यूट्रल जो है डायरेक्ट इसमें डाला हुआ है। और यहाँ पे फेज डाल के जो हम लोग फेज डाल रहे हैं वही जो है यहाँ से आउटपुट होगा। जैसे हमारा कमांड PLC देगा तो यहाँ से आउट होगा, या हम लोग स्टार्ट स्टॉप करेंगे HMI से, BMS से, SCADA से। तो सिंपल सा इसमें हम लोग सप्लाई डाल के और ये जो है आउटपुट लेते हैं। आउटपुट लेने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो जितना भी रिले है आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है A2 में अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 33 नंबर है। फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये 33 नंबर है, 34 नंबर ये है, 33 नंबर ये है, फिर यहाँ पे 35 नंबर है। तो वही जो है अगर आप लोग देखेंगे 34 नंबर 35 नंबर यहीं से जो है गया हुआ है। 34 नंबर एक यहाँ से है, एक जो है ये गया है हमारा 32 नंबर होगा, ये 32 नंबर है, 33 नंबर, ये 34 नंबर। तो वहीं जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है सप्लाई गया हुआ है। तो जैसे हमारा आउटपुट मिलेगा यहाँ से कमांड देंगे हमारा रिले ऑन होगा, इक्विपमेंट जो होगा ऑन हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें क्या होता है कि L1 L2 पे हम लोग फेज डालते हैं और यहाँ से जो है हम लोग जो है वायरिंग करके एक एक वायर जो है रिले का A2 में डाल देते हैं। जैसे हमारा जो है क्या होता है यहाँ से कमांड जाता है, रिले ऑन होता है। तो ये जो है बेसिकली में आप लोगों को पता होगा कि जो DO होता है इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। DO क्या होता है कि हम लोग जो भी इक्विपमेंट फील्ड का होता है उसको जो है क्या करते हैं, कमांड दे के उसको स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो ये कनेक्शन जो है आप लोग को इसमें का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ये जो मॉड्यूल है इसका वायरिंग कैसे होता है। तो मॉड्यूल का कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं SM 1231 SM 1231 SM 1232, ये है CM 41 1241 1241 CM 1241, फिर ये जो है PLC है, फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1232। तो ये जो है आप लोग देखेंगे इसमें अलग अलग जो है सिग्नल मॉड्यूल है। ये जो है आप लोग देखेंगे CM है, यानी ये जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे CM लिखा हुआ है, ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। ये जो है RS 400 जो है 85 या 422 जो है इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे ये जो है यूज किया हुआ है, तो कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है। ये जो है सिग्नल मॉड्यूल, सिग्नल मॉड्यूल में क्या होगा कि हम लोग AI एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सीरियल नंबर है इसी के हिसाब से इसमें जो है इक्विपमेंट जो है कनेक्ट होता है। यानी AI के लिए अलग सीरियल नंबर मिलेगा, DI के लिए अलग सीरियल नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखें 31 जितना भी है ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 32 AO के लिए है, 31 जो है AI के लिए। AI एनालॉग इनपुट है, ये डिजिटल जो है ये एनालॉग आउटपुट है। इसमें DI का जो है आप लोग देखेंगे कोई सिग्नल नहीं है, यानी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए नहीं यूज हो रहा है। तो इसी में का जो है अलग अलग जो है सीरियल नंबर मिलता है। DI के लिए 1200 जो है 21 और DO के लिए 1220 यूज होता है, और दोनों का मिक्स के लिए 1223 यूज होता है। तो ये जो है आप लोग को अलग अलग मॉड्यूल सिग्नल का मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका कनेक्शन जो है सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो सेम जो है वैसे हम लोग इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। और इस पर लिखा भी है, अगर आप लोग देखेंगे AI इसमें तीन है, ये 0 से 3 यानी 4 है, और यहाँ पे 4 8 है, यानी 8 इसमें है। कहीं कहीं पे 16 मिल जाता है, कहीं कहीं पे जो है 8 का भी होता है, 4 का भी होता है। तो वो जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो इसका कनेक्शन के लिए आप लोग देखें L और M पहला लाइन में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 24 वोल्ट PC दिखा रहा है। तो L और M में ये जो है आप लोग देखेंगे पहला लाइन जो है इसमें 24 वोल्ट है, उसके बाद आप लोग देखेंगे सकते हैं यहाँ ग्राउंड है, उसके बाद में इसमें जो है एक 0 और 0 का प्लस और 0 का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, यानी 2 है। तो वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें पीछे आप लोग देख सकते हैं ये वैसे कनेक्शन हुआ है। हम लोग सामने वाला में देख लेंगे, वो जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा में आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 खाली है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 2 3 खाली है, उसके बाद में 2 का प्लस माइनस, 3 का प्लस माइनस। तो आप लोग देख सकते हैं 2 का
दो का ये आप लोग देखेंगे प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, 200 जो है आप लोग देख सकते हैं 0 वोल्ट यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख लिए 0 वोल्ट है और ये हमारा ग्रीन जो है फील्ड से आ रहा है, सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे कनेक्ट दो जो है हमारा कनेक्शन आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 वोल्ट जो है यहीं से लूप कर दिया गया है, क्योंकि 0 वोल्ट जो है हमारा जो है ये पूरा जो है डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, कि जो हमारा ट्रांसमीटर है वहाँ से कौन सा सिग्नल मिल रहा है। जो हमारा ट्रांसमीटर है 2 वायर है तो एक ही केबल जाता है और एक ही जो है वहाँ से वायर आता है, तो वही वायर जो है एक यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक एक कनेक्ट हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे जो है 0 वोल्ट जो है यहीं से PLC से जो है लूप कर देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, 4 वायर होगा तो 2 जाएगा, 2 आएगा तो दोनों यहाँ पे आके जो हमारा 2 उधर से मिलेगा तो दोनों वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा इसमें है। तो AI जो होता है, सिंपल सा आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, कि जो हमारा फील्ड का जो ट्रांसमीटर होता है, जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है, वो क्या करता है, हम लोग कुछ वैल्यू देता है 0 to 10 में, 0 to 4 में, या 4 to 20 mA में। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये AQ है, यानी AO का है। तो AO क्या होता है कि हम लोग जो भी इक्विपमेंट में क्या करते हैं कमांड डालते हैं, सॉरी जो हम लोग कंट्रोल डालते हैं कि इक्विपमेंट को कितना स्पीड पे चलाना है या कितना वैल्यू डाल के उसको चलाना है, जो भी हम लोग वैल्यू डालते हैं जो इक्विपमेंट को चलाने के लिए कंट्रोल देते हैं, वो जो होता है AO का कनेक्शन, वो जो है AO होता है। तो AO का कनेक्शन जो है अगर आप लोग सिंपल सा देखेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे LM प्लस है 24 वोल्ट, आप लोग देख सकते हैं इसमें देना है और एक ग्राउंड देना है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे ये पूरा जो है खाली है, यानी ये जो सप्लाई है सिर्फ इसमें सप्लाई दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं एक जो है हम लोग L दे दिए हैं, 24 वोल्ट डाले हैं, 0 वोल्ट और ग्राउंड डाले हैं। यहाँ पे ऊपर जो है कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 0 ये डॉट डॉट है, यानी इसमें कनेक्शन कुछ भी नहीं करना है, ये खाली है, स्पेयर है। नीचे हम लोग कनेक्शन करेंगे तो नीचे का कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 3 ऊपर वाला में और 3 इसमें, तीनों में खाली है। इसका कनेक्शन सिंपल था, अगर आप लेंगे आप लोग देखेंगे तो 0M और 0, M1 और 1, 2M और जो है 2, 3M और 3। तो सिंपल था, इसमें 2 वायर हम लोग डालेंगे, एक में 0 वोल्ट डाल देंगे और जो हमारा 0 to 10 वोल्ट वाला होगा 2 कनेक्शन कर देंगे। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 वोल्ट का, फिर 0 10 वोल्ट का, 0 10 वोल्ट का, 0 10 वोल्ट का, ऐसे दोनों जो है वायर जो हमारा यहाँ से फील्ड में जो जाता है इक्विपमेंट में वहीं जो है कनेक्ट होता है। सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है, जैसे AI का आप लोग देखें कि 2 2 वायर जो है कनेक्ट हुआ है, वैसे जो है इसमें एक 0 वोल्ट एक 10 वोल्ट, 0 वोल्ट 10 वोल्ट यूज किया जाता है। सिंपल सा ये जो हमारा PLC में जो भी कनेक्शन होता है यहाँ से जाता है हमारा इक्विपमेंट को, तो 2 वायर होता है, दोनों यहाँ पे कनेक्ट होता है। ऊपर आप लोग देखिए जो है इसमें जो है पावर सप्लाई देना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट डालते हैं, तो वैसे जो है इसका कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे भी सेम जो मॉड्यूल है आप लोग देख सकते हैं ये का है, फिर ये जो है 1200 आप लोग देखेंगे सीरीज का, वही जो है PLC है, तो यहाँ पे सेम वही कनेक्शन आप लोग को मिलेगा। AO का, AI का यहाँ पे है, फिर यहाँ पे DI का है, आप लोग देख सकते हैं सेम जो है इसका कनेक्शन है। और यहाँ पे सप्लाई देने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये 24 वोल्ट आउट हो रहा है, यहाँ से हम लोग जो है 200 जो है कितना 40 दे रहा है और यहाँ से जो है हमारा 24 वोल्ट निकल रहा है, वहीं सप्लाई जो है ये पूरा जितना भी PLC है इसमें यूज किया जाए। तो इसका जो कनेक्शन है बहुत ही आसान है, आप लोग देखें कैसे जो है इसका कनेक्शन हुआ है। इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को AI एनालॉग इनपुट और DI डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट, ये सब चीज़ पता रहेगा तो आप लोग जो है इजीली इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और जो है आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसमीटर जो होता है हमारा कितना वायर का होता है, वो कैसे सिग्नल देता है, ये सब चीज़ पता रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग को पता नहीं है कि जो हमारा सिग्नल होता है कितने टाइप का सिग्नल होता है, तो मैं जो है क्या करूँगा, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा, वहाँ से जो है आप लोग उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को सिग्नल के बारे में पता चल जाए, फिर आप लोग इसका कनेक्शन का जो भी इसमें डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।